बोलते हुए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यह लड़ाई आप अपने लिए अपने द्वारा लड़ेंगे। जैसे संविधान में लिखा गया है कि जनता जनता द्वारा जनता के लिए जनता ने अपनी सरकार चुनी, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि शिक्षा मित्र के लिए शिक्षा मित्र की लड़ाई लड़ें। आप सब लोग आइए और आपको उचित व्यवस्था, उचित कार्यक्रम संगठन द्वारा दिया जाएगा, जिसकी तैयारी यहाँ लखनऊ में लगातार की जा रही है। स्पष्ट कर दिया गया है कि 5 सितंबर को इको गार्डन में हम लाखों लोग एकत्रित होंगे, 3 बजे तक इंतज़ार करेंगे और 3 बजे के बाद हमारा जो मूवमेंट होगा, जो आप कहेंगे वो होगा। वहाँ पर हमारा निर्णय, ना तो हम कहेंगे आप मानिए, ना तो आप हमारा निर्णय मानेंगे, हमें पता है। क्योंकि जब विकल्प सिर्फ एक हो, सवाल के अन्य विकल्प ना हो, तो फिर निर्णय वही लेना पड़ता है कि सही है या गलत है। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि किसी भी कुटुंब कबीले में ना बटें। जो लोग आपको अलग अलग उलझाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग समझाने की बात कर रहे हैं, कल एक हाई कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें संभवतः नई भर्ती निकलने का उम्मीद लग रही है। अगर नई भर्ती की रिकमेंड सरकार करेगी तो उसमें जो TET पास लोग हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त लाभ मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। भारांक अगर मिलेगा भी तो वह परीक्षा पास होने के बाद मिलेगा, परीक्षा के अंकों में उसका कोई जुड़ नहीं होगा, जैसा कि पहले भी ऐसा किया गया है। और मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि 68,500 और 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई है, वह एक एक सीट हमारे शिक्षा मित्र साथी की है। जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने हम शिक्षा मित्रों के हाथ से यह रोटी छीन कर दूसरे लोगों को दी है, 20-20 साल से प्राथमिक विद्यालय में सेवा दे रहे शिक्षा मित्रों के हक का निवाला छीन कर दूसरे लोगों को दिया है, वह अधिकारी कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक एक सीट हमारे शिक्षा मित्र साथियों की है, 1,37,000 शिक्षा मित्रों की सीट को BEd BTC के लोगों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। लोगों को बांट दिया गया जो कहीं से भी न्यायप्रिय नहीं था, आपको उनकी भर्ती करनी थी अलग से भर्ती करते, लेकिन आप देख रहे हैं रोज़ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों में बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। हो सकता है भविष्य में और बड़े खुलासे हों और उसमें फिर कोर्ट और सरकारें निर्णय लेंगी। और आज जो मैं कह रहा हूँ कि एक एक सीट वो शिक्षा मित्र की थी और शिक्षा मित्र को मिलनी चाहिए, देखना एक दिन यही कोर्ट और सरकारें भी कहेंगी कि शिक्षा मित्रों का हक था जिसे दूसरे लोगों को दिया गया। इसलिए आप लोग बटने में विश्वास मत रखिए, एकता के साथ 5 सितंबर को आइए। सारी व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी संगठन कर रहा है, अलग अलग बटने का प्रयास न करिए। आपने देखा जिन लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया, जिन लोगों ने कभी कार्यक्रम नहीं किया, आज वही आपको बांटने का काम कर रहे हैं, एकता बनाने के नाम पर बांट रहे हैं, एकता बनाने का नाम दे रहे हैं कि हम महागठबंधन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग अलग श्रेणी में बांट रहे हैं। कोई आपको टेट पास में बांट रहा है, कोई CTET पास में बांट रहा है, कोई आपको 68,500 की भर्ती से बचे हुए 30-33 में बांट रहा है, कोई 69,000 में बचे हुए हमारे शिक्षा में साथियों को बांट रहा है। आज बटने का नहीं, आज एक होने की ज़रूरत है। और पहले हम सभी शिक्षा में साथी अपने जीवन यापन भर की व्यवस्था कर लें, उसके बाद जब कोई श्रेणीकरण होगा तब आप बटिएगा, खूब बटिएगा। अभी कम से कम हम सबकी थाली में इतना भोजन आ जाए कि हम, हमारे परिवार और हमारे बच्चे उसको खाकर अपना जीवन निर्वाहन कर सकें। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। ग्रुपों में मैं देख रहा था
मैं ग्रुपों में देख रहा था कि बहुत सारे